अस्सलामुअलैकुम। आज हम फोरेंसिक का टॉपिक शुरू करने लगे हैं, चैप्टर 45, दैट इज़ एनिमल पॉइजन्स। एनिमल पॉइजनिंग में सबसे पहले हम स्नैक्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है। कौन कौन से पॉइजनस होते हैं, कौन से नॉन पॉइजनस हैं, उनके क्या क्या फीचर्स हैं। सो स्नैक्स आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, दे कैन बी नॉन पॉइजनस एंड पॉइजनस। पॉइजनस में आ जाते हैं एलिफेंट्स, वाइपर्स एंड सी स्नैक्स, ठीक है। अब कैसे पता चलेगा कोई स्नैक पॉइजनस है या नॉन पॉइजनस है उसके फीचर्स से, तो क्या फीचर्स का डिफरेंस हम देखते हैं। डिफरेंट तरह के फीचर्स होते हैं हमारे पास, ठीक है। बैली स्केल्स हैं, हेड स्केल्स हैं, फैंग्स, टेल, हैबिट्स, बाइट, इन सब की बेसिस पे हम जज करते हैं कि कोई स्नैक पॉइजनस है या फिर नॉन पॉइजनस है। तो सबसे पहले आते हैं जी बैली स्केल्स पे। जो पॉइजनस स्नैक्स होते हैं उनके बैली स्केल्स लार्ज होते हैं, ठीक है। आप जनरली याद रखें कि स्केल्स स्नैक्स के हेड पे भी स्केल्स होते हैं, बैली पे भी होते हैं, लेकिन जो पॉइजनस स्केल्स हैं उनके बैली वाले स्केल्स थोड़े बड़े होते हैं और वो कन्वेक्स होते हैं, ठीक है। और पूरी जो बैली है उसको वो स्केल्स कवर कर रहे होते हैं, जबकि नॉन पॉइजनस में बैली स्केल्स छोटे होते हैं और वो पूरी ब्रेथ को कवर नहीं कर रहे, ठीक है। जिस तरह पूरे एब्डोमेन के सरकमफ्रांस को अगर कवर कर रहे होंगे और बड़े स्केल्स होंगे तो वो पॉइजनस स्नैक है, छोटे हैं और पूरे सरकमफ्रांस में भी नहीं आ रहे तो वो नॉन पॉइजनस है। फिर आ जाते हैं हेड स्केल्स पे। तो पॉइजनस जो स्नैक्स होते हैं उसके हेड स्केल्स छोटे होते हैं, अगर हम वाइपर्स की स्पेसिफिकली बात करें, नॉन पॉइजनस के हेड स्केल्स बड़े, ठीक है। एक बात याद रख लें बैली स्केल्स की, तो आपको हेड स्केल्स भी उसके कॉरेस्पॉन्डिंगली याद रहेगा कि जिसके बैली स्केल्स बड़े हैं उसके हेड स्केल्स छोटे हैं। पॉइजनस के अंदर एक पिट होती है आई और नॉस्ट्रिल के बीच में, ठीक है, और थर्ड लिप टचेस आई। ये भी दो फीचर्स हैं इसके जो पॉइजनस स्नैक्स में, सिर्फ ऐसे नॉन पॉइजनस में कोई बात नहीं है। फिर फैंग्स पे आ जाते हैं। इसके जो पॉइजनस के फैंग्स होते हैं वो लॉन्ग और कैनलाइज्ड होते हैं, नॉन पॉइजनस के शॉर्ट और सॉलिड होते हैं। टेल की बात करें तो इसकी टेल कंप्रेस होती है, ठीक है। पॉइजनस की टेल जो होती है वो चपटी सी होती है, जबकि नॉन पॉइजनस की कंप्रेस नहीं होती। हैबिट्स नॉकचर्नल, यानी ज़्यादातर रात को निकलते हैं, नॉन पॉइजनस के सच बात नहीं है। बाइट में टू फैंग मार्क्स, ठीक है, मतलब जब ये बाइट करते हैं तो जो मार्क्स आते हैं वो दो किस्म के होते हैं, विद और विदाउट स्मॉल टीथ। जबकि नॉन पॉइजनस के जो फैंग मार्क्स होते हैं, बाइट के मार्क्स होते हैं, उसमें नंबर ऑफ स्मॉल टीथ मार्क्स आपको नज़र आते हैं, ठीक है। और अगर दो बड़े बड़े मार्क्स आपको नज़र आ रहे हैं तो वो पॉइजनस स्नैक है, छोटे छोटे नज़र आ रहे हैं और बहुत ज़्यादा मार्क्स नज़र आ रहे हैं तो वो नॉन पॉइजनस है। फिर आ जाते हैं पॉइजनस स्नैक्स की तीन कैटेगरी, एलिफेंट्स, वाइपर्स एंड सी स्नैक्स। एलिफेंट्स में आ जाता है कोबरा एंड क्रेट्स, ठीक है। वाइपर में है पिट एंड वाइपर्स, एंड सी स्नैक्स में हमारे पास आ जाती है स्मॉल कोस्ट स्नैक्स जो होते हैं। फिर कोबरा और क्रेट्स के फीचर्स देख लेते हैं। इनमें जो हेड है, हेड की विड्थ और नेक की विड्थ वो बराबर होती है, ठीक है, और प्यूपल्स इनके राउंड होते हैं और फैंग्स इनके शॉर्ट और फिक्स्ड होते हैं। स्नैक कैन नॉट इंजेक्ट कंप्लीट डोज, ठीक है, वो पूरी डोज पॉइजन की इंजेक्ट नहीं कर सकते लैपिड्स, और इनकी टेल राउंड होती है। वाइपर्स में आ जाए तो इसमें पिट एंड पिटन वाइपर्स होते हैं, इनका हेड ट्राइंगुलर होता है, नेक वाइड होती है, फैंग्स जो है वो लंबे होते हैं, मूवेबल होते हैं। स्नैक कैन गिव कंप्लीट डोज, ठीक है, पूरी डोज जो है वो बंदे के अंदर पॉइजन की वो ट्रांसफ़र कर सकता है। और टेल जो होती है वो इनकी टेपर्ड होती है, यानी कि पॉइंटेड होती है, ठीक है। कुछ हमारे पास पिटन नहीं है कि पिट लेस वाइपर्स है, ठीक है, यानी कुछ में पिट्स होती हैं और कुछ में पिट्स नहीं होती हैं, तो पिट लेस वाइपर्स हैं। जो पिटलेस वाइपर्स बाइट है वो ज़्यादा डेंजरस है एज़ कम्पेयर टू पिट्स वाली। फिर आ जाते हैं सी स्नैक्स के ऊपर, तो ये स्मॉल कोस्ट वाले होते हैं स्नैक्स, ठीक है, इनकी छोटे हेड होते हैं और टेल जो होती है वो रूडर लाइक टेल होती है। इनमें स्केल्स होते हैं, ट्यूबरक्यूलेशंस बनी हुई होती हैं उनके ऊपर, ठीक है, ट्यूबरक्यूलेटेड स्केल्स होते हैं, एंड दी स्नैक्स डू नॉट बाइट। उसके बाद आ जाते हैं फीचर्स ऑफ स्नैक वेनम, तो ये पेज हमारा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पिछले में हमने बेसिक देख लिया कि कैसे पता चलेगा कौन पॉइजनस है कौन नॉन पॉइजनस है, वो भी पूछ सकते हैं आपसे, लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि स्नैक वेनम जो है वो कैसे पॉइजनिंग करता है, उसमें क्या क्या फीचर्स होते हैं और किस स्नैक का पॉइजन कौन सी कैटेगरी में लाई करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा, स्नैक वेनम के सबसे पहले फीचर्स पे आते हैं। तो स्नैक वेनम दिखने में कैसा होगा, क्लियर ट्रांसपेरेंट फ्लूड होता है, जो कि अगर आप उसको छोड़ दें खुश्क होने के लिए तो वो येलो ग्लैंडुलर मास बना देता है। फिर आ जाते हैं कि उसके अंदर टॉक्सिल ब्यूमिन्स होते हैं, जिसमें लाइसेंस होती हैं, टॉक्सिन्स होती हैं, एंजाइम्स होते हैं और बाकी चीज़ें होती हैं। अब जो लाइसेंस हैं उसमें आपके पास प्रोटियोलाइसेंस एंड हीमोलाइसेंस आ जाते हैं, टॉक्सिन्स में न्यूरोटॉक्सिन्स एंड कार्डियोटॉक्सिन्स आ जाते हैं, एंजाइम में कॉन्ग्यूलेस, हाइलेरिनिटेज, लेसिथनेस, कोलिनेस्टरेज एंड फिब्रिनोलाइसिस, और बाकी एग्लूटिन्स और थ्रोम्बोप्लास्टिन प्रोटीन्स भी होती हैं।
अब वैनम के टाइप्स पे बात करते हैं तो तीन किस्म के वैनम होते हैं, एक न्यूरोटॉक्सिक है, वास्क्यूलो टॉक्सिक है और मायोटॉक्सिक है। अभी आपको नाम से ही पता चलेगा कि कौन सा वैनम क्या काम कर रहा है। न्यूरोटॉक्सिक वाला जो है वो ज़ाहिर आपके CNS को अफेक्ट कर रहा है, ठीक है, एज अ नेम सजेस्ट। तो वो आपकी मस्कुलर वीकनेस करेगा, आपके पैरालिसिस कर देगा फेस के मसल्स की और थ्रॉट के मसल्स की, ठीक है। इसमें एग्जांपल आती है कोबरा वैनम की, जो कि कन्वोलियंस करता है और पैरालिसिस, जबकि क्रेट वैनम जो है वो मस्कुलर पैरालिसिस कर देगा। फिर वास्क्यूलर टॉक्सिक आ जाते हैं, तो इसमें क्या होता है, वास्क्यूलर टॉक्सिक नाम से पता चल रहा है कि ये वेसल्स को इन्वॉल्व करेगा, तो ये कॉगुलेशन कर देता है, ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग कर देता है, आपकी एंडोथीलियम को भी डैमेज कर देता है, हीमोलाइसिस हो जाती है यानी रप्चर हो जाएंगे ब्लड वेसल्स और हेमरेज भी हो सकता है। फिर आ जाते हैं मायोटॉक्सिक पे, तो इसमें मसल पेन होता है, मायोग्लोबिनूरिया होता है एंड रिस्पायरेटरी फेलियर। अच्छा, फिर पॉइजनस स्नेक्स होते हैं, उन पे फैंग मार्क्स होते हैं, हमने पहले डिस्कस कर लिया। नॉन पॉइजनस स्नेक्स में यू शेप्ड सेट ऑफ टीथ मार्क्स, ठीक है, इस तरह से जो है ना वो पूरी यू शेप्ड रिंग बनती है, उसमें छोटे छोटे जो टीथ मार्क्स हैं वो आपको नज़र आते हैं, जिस तरह मैंने आपको पहले भी बताया। कितनी टॉक्सिसिटी होगी स्नेक की वो डिपेंड करता है साइज ऑफ द पर्सन पे, ठीक है, कि कितना एक बंदा जो है वो लीन है या फैट है और उसकी कितनी एबिलिटी है कोप अप करने की, तो वो ऑब्वियसली उस पर भी डिपेंड करता है। पोटेंसी ऑफ द वैनम पे, ठीक है, कि वैनम कितना इंपॉर्टेंट है, कौन से स्नेक का वैनम था, कितनी अमाउंट इंजेक्ट हुई है, कैनलाइज है या ग्रूव फैंग है, ठीक है, उसकी भी एब्जॉर्प्शन डिफरेंट होती है। इसके अलावा नॉक्चर्नल बाइट्स, यानी कि रात को तो नहीं काटा, अगर रात को काटेगा तो वो ज़्यादा सीरियस होगा। उसके बाद आ जाते हैं स्नेक वैनम पॉइजनिंग पे, कि बेसिकली स्नेक वैनम पॉइजनिंग के स्टेजेस क्या क्या होते हैं, ठीक है। अब हम इसमें तीनों अलग डिस्कस करेंगे, आप एक एक नाम याद कर लें। कि न्यूरोटॉक्सिक जो वैनम होता है वो एलैपिड्स का होता है, वाइपर को आप वी से याद रखें, वास्क्यूलो टॉक्सिक जो होता है वो वाइपर्स का होता है और मायोटॉक्सिक सी स्नेक्स का होता है। अब एलैपिड्स की अगर बाइट होगी, पॉइजनिंग होगी, तो उसके तीन स्टेजेस होंगे। फर्स्ट स्टेज में होगा जी बर्निंग सेंसेशन, आपको ऐसे बर्निंग सेंसेशन स्किन पे फील होगी, चक्कर आएंगे, लेथार्जी है, ठीक है, पैरालिसिस है और सलाइवेशन भी ज़्यादा हो जाएगी। स्टेज टू में बोलने में मसला होगा, कुछ अंदर निकलने में मसला होगा, प्टोसिस हो जाएगी यानी ड्रूपिंग ऑफ आईलिड, पैरालिसिस हो जाएगी एंड ब्रीदिंग भी कम हो जाएगी। तीसरे स्टेज में रिस्पायरेटरी सेंटर ज़्यादा डैमेज होगा, तो रिस्पायरेशन बिल्कुल रुक जाएगी, हार्ट विल स्टॉप इट्स वर्किंग एंड ऑल्सो देर विल बी नेक्रोसिस। फिर आ जाते हैं वाइपर्स के ऊपर, तो वाइपर्स का जो पॉइजन होता है दैट इज़ वास्क्यूलर टॉक्सिक, ठीक है, इसके क्या स्टेजेस होते हैं, लोकल पेन करता है स्टेज वन में, स्वेलिंग करेगा, एक मॉसिस करेगा एंड ब्लिस्टर्स करेगा। एक मॉसिस मतलब छोटे ब्लड वेसल रप्चर करेंगे तो रेडनेस आ जाएगी स्किन पे। स्टेज टू में आ जाता है हेमोलिसिस, ब्लीडिंग फ्रॉम गम्स एंड म्यूकोजल ब्लीडिंग। स्टेज थ्री में कोलैप्स, रैपिड पल्स, डायलेटेड प्यूपिल, लाइट रिफ्लेक्स ख़त्म हो जाएगा, कोमा एंड डेथ। स्टेज फिर आ जाते हैं सी स्नेक्स अगर काटेंगे मायोटॉक्सिक वाले, तो उनके क्या स्टेजेस होंगे, उसके फर्स्ट स्टेज में इनिशियल प्रिक, ठीक है, इनिशियल प्रिक पेनफुल होती है और फिर आपको बिल्कुल दर्द नहीं होता, वो पेनलेस हो जाती है चीज़। स्टेज टू में आ जाते हैं तो मस्कुलर पेन होता है, स्टिफनेस होती है, मायोग्लोबिनूरिया होता है और सीरम ट्रांस अमाइनेज ज़्यादा हो जाता है। स्टेज थ्री में हाइपरकैल्सीमिया हो जाएगा, मसल डैमेज एंड रिस्पायरेटरी फेलियर, ठीक है। बेन में स्टेजेस आपने ये याद रखने कि न्यूरोटॉक्सिक है तो CNS रिलेटेड चीज़ें शुरू कर दें, उन्हीं स्टेजेस को आपने मज़ीद एग्रेवेट करते जाना है, तो वो उसके तीनों स्टेजेस आ जाएंगे। फेटल डोज पे आ जाते हैं, तो अगर ड्राइड कोबरा है, ड्राइड कोबरा का वैनम है वो 15 mg उसकी फेटल डोज है, मतलब इतनी डोज काफ़ी है बंदे को मारने के लिए। वाइपर वैनम है उसकी 20 mg है, क्रेट वैनम 6 mg एंड सॉ स्केल्ड वाइपर वैनम की 8 mg है। अब फेटल पीरियड क्या है, अगर इंस्टेंटेनियसली भी हो सकता है या फिर फ्यू मिनट्स भी हो सकता है, फ्यू डेज भी, डिपेंडिंग ऑन द स्नेक एंड डोज ऑफ कोर्स। उसके बाद आ जाते हैं ट्रीटमेंट, कि आपने स्नेक वैनम का ट्रीटमेंट कैसे करना है। बेसिकली ट्रीटमेंट में चार स्टेजेस आते हैं, ये ट्रीटमेंट के स्टेजेस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, ये अक्सर वाइवे में भी पूछ लेते हैं या फिर आपसे MCQs में भी पूछ लेते हैं या फिर वैसे भी क्वेश्चन आ जाता है। सो इसके अंदर क्या स्टेजेस हैं और ये स्टेजेस आपने सीक्वेंस वाइज ही याद रखने हैं। फर्स्ट स्टेज है अलेइंग एंजाइटी एंड फ्राइट, क्योंकि पेशेंट इतना फ्राइटेंड हो चुका है कि उसको सांप काट चुका है, तो सबसे पहले आपने उसकी एंजाइटी को ख़त्म करना है, ठीक है, उसको इंश्योर कराना है, क्योंकि एक लेमैन बंदा है उसको नहीं पता कि सारे स्नेक्स पॉइजनस नहीं होते, वो यही समझेगा कि मुझे सांप ने काट लिया है और अब जहर आ गया मेरी बॉडी में और वो फैलेगा। तो आपने सबसे पहले उसकी इस चीज़ को ख़त्म करना है, एंजाइटी को, आपने उसे यकीन दिलाना है कि सारे स्नेक्स पॉइजनस नहीं होते, ये नहीं स्प्रेड करेगा और
ठीक है, जितना आप उसको काम डाउन कर सकते हैं वो करना है। दूसरा काम क्या करना है, प्रिवेंशन और स्प्रेड ऑफ वैनम, कि वैनम को आपने फैलने नहीं देना। ऑफ कोर्स आपके पूरे सर्कुलेटरी सिस्टम में फैलेगा तो वो ज़्यादा पॉइजनस होगा। तो उसके लिए चार स्टेजेस करते हैं इमोबिलाइजेशन, कि आपने मूव नहीं करना, और टॉर्निकोट अप्लाई करनी है। अच्छा, टॉर्निकोट के हवाले से काफ़ी बातें आती हैं, कहीं कहते हैं कि टॉर्निकोट स्नेक बाइट में अप्लाई नहीं करते, कहीं कहते हैं अप्लाई करना चाहिए। सो ये अभी तक इसमें कन्फ्यूजन ही है, लेकिन कहीं पर जैसे कम्युनिटी में ये बताते हैं कि टॉर्निकोट आप अप्लाई करें, लेकिन आप इस तरह इतना टाइटली अप्लाई ना करें कि वहाँ पे टिश्यू की ब्लड सप्लाई रुक जाए और वहाँ पे नेक्रोसिस होना शुरू हो जाए। तो आप उसको फैलने से रोक रहे हैं लेकिन उस लोकल एरिया को डैमेज कर रहे हैं। तो आप टॉर्निकोट ऐसे अप्लाई करें कि वो थोड़ा लूज सा हो, इस तरह लूज सा हो कि उसके अंदर से कम अज़ कम आप दो फिंगर्स पास कर सकें, ठीक है। तो ऐसा टॉर्निकोट, और वो कुछ ऐसा टाइम भी होता है कि आपने कुछ कुछ मिनट्स बाद उसको रिमूव करना होता है, ठीक है। तो टॉर्निकोट का एक मेथड है प्रॉपर लगाने का, उसको आपने फॉलो करना है, यानी कि धड़ाम से आपने टाइट करके बांध दिया। तीसरी चीज़ है क्लीनिंग वुंड, अगर वुंड वहाँ पे लोकल वुंड है तो उसको आपने फैंग मार्क्स वगैरह वो क्लीन कर लें, एंड इंसीजन एंड सक्शन, ठीक है। फिर जो तीसरा स्टेप है वो एंटी वेनिन, आपने पॉलीवेलेंट एंटी वेनिन देना है। अब ये आपने याद रखना है कि 1 ml हम देते हैं, लेकिन वो 1 ml हर जो स्नेक है उसकी डिफरेंट डोज को न्यूट्रलाइज करेगा। जैसे इसका अगर एंटी वेनिन का 1 ml है, कोबरा की 0.6 mg को न्यूट्रलाइज कर सकता है, क्रेट की 0.45 mg को कर सकता है, वाइपर की 0.6 को कर सकता है, और सॉस स्केल्ड वाइपर की 0.45 को कर सकते हैं। फिर आ जाते हैं जनरल मेजर्स। जनरल मेजर्स आपने ये लेने कि आपने स्टोमिनट्स दे देने हैं, आपने ब्लड ट्रांसफ्यूजन करनी है अगर आपको लगता है कि इसकी ज़रूरत है। स्टेरॉइड्स, ठीक है, आप दे सकते हैं फॉर पेन रिलीफ, एंड बारबिट्यूरेट्स जो कि स्लीप इंड्यूस करते हैं या फिर उसकी एंजाइटी को कम करेंगे। उसके बाद है पोस्टमार्टम अपीयरेंसेस। पोस्टमार्टम अपीयरेंसेस, एक बंदा अगर मर गया है स्नेक बाइट से, स्नेक पॉइजनिंग से, तो उसको आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? बाइट मार्क्स होंगे उसकी बॉडी के ऊपर, ऑफकोर्स स्वेलिंग या सेलुलाइटिस हुई होगी उस लोकल एरिया के ऊपर, हेमोलिसिस हुई होगी अगर तो वो वास्कुलर टॉक्सिक वाला था जैसे वाइपर था, ठीक है। एंडोकार्डियल हेमरेज हो सकता है और ब्लड क्लॉटिंग नहीं हुई होगी। मेडिकल लीगल एस्पेक्ट ये कि ज़्यादातर एक्सीडेंटल ही होती है, जो गाँव साइड पर लोग होते हैं उनको काट जाता है सांप, ठीक है, और पता नहीं चलता, या फिर कई जगहों पे पॉइजनिंग ऑफ कैटल में भी यूज़ करने के लिए उसको इंटेंशनल भी यूज़ करते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट स्नेक पॉइजनिंग। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, फर्स्ट पेज इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि पॉइजनस नॉन पॉइजनस में क्या फ़र्क है, लेकिन मेन फीचर्स आपको लाजमी पता होने चाहिए, और बाकी इनके स्टेजेस और कौन सा मायोटॉक्सिक है, वास्कुलर टॉक्सिक है, न्यूरोटॉक्सिक है, और ट्रीटमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये आपने अच्छे से याद रखना है। थैंक यू सो मच।